हिमाचल में अब टैक्सी में सफर करना काफी महंगा हो गया है। प्रदेश की जयराम सरकार ने टैक्सी किराया 50 से 90 फीसदी तक बढ़ा दिया है। इसी संदर्भ में परिवहन विभाग ने भी अधिसूचना जारी कर दी है। बताया गया है कि वर्ष 2011 के बाद प्रदेश में टैक्सी किराया पहली बार बढ़ाया गया है। टैक्सी ऑपरेटर यूनियन की मांग पर प्रदेश सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है। ऐसे में अब जहां 1 किलोमीटर के लिए 110 रुपए लगते थे, वहां अब 200 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया देना होगा। अधिसूचना के मुताबिक ऑर्डिनरी टैक्सी नॉन ट्रैवल में अब 13.14 रुपए प्रति किलोमीटर और ट्रैवल एरिया में 14.1 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया वसूला जाएगा। टैक्सी चालक सुदर्शन पटियाल ने बताया कि 2011 के बाद पहली बार प्रदेश सरकार ने टैक्सी किराए में बढ़ोतरी की है, जिसके प्रति टैक्सी चालकों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर का आभार प्रकट किया है। नेशनल लेवल के पन्ने पे पड़ा कि टैक्सी किराए में वृद्धि हुई, तो हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत ही खुशी हुई कि कम से कम इस सरकार ने पिछले 7 वर्षों से किसी भी सरकार ने ये किराया बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। इस वक्त जो मौजूदा सरकार है उसने हमारे बारे में सोचा और हमें पिछले 7 वर्षों से इतने घाटा उठा रहे थे, कम रेट पे हम पैसेंजर को लेके जाते हैं, पैसेंजर बार बार हमें ये शिकायत करता है कि आप मनमाने दाम वसूलते हैं, हमें रेट लिस्ट दिखाइए, तो हम सक्षम नहीं थे कि सरकार द्वारा अधिकृत रेट लिस्ट हमारे पास हो और हम जनता के सामने या अपने यात्री के सामने अपना जो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड रेट है उसको दिखा पाए, तो इससे हमें काफ़ी नुकसान होता था और पैसेंजर भी हमारे से कई बार जो है पैसेंजर की नोकझोंक होती है। इसलिए पिछली सरकार ने भी कुछ नहीं किया, पिछले 5 वर्ष हमारे जो ऐसे निकल गए। आई ये भाजपा सरकार, चलो देर से आए दुरुस्त आए, पिछले 7 वर्षों से 2011 से लेके 2018 तक किसी ने किराया नहीं बढ़ाया, लेकिन मौजूदा सरकार ने जो किराया बढ़ाया, इसलिए मैं इस सरकार का हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। दिल की गहराइयों से अपने हमीरपुर वासियों के समस्त टैक्सी ऑपरेटरों की तरफ से दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और मौजूदा जो परिवहन मंत्री हैं श्री गोविंद सिंह जी, जिला कुल्लू से मनाली से जो बिलोंग करते हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और साथ में भविष्य में मैं ये सरकार से मांग करता हूँ पूरे प्रदेश के समस्त टैक्सी ऑपरेटरों की तरफ से कि हर वर्ष जो है वो जैसे गाड़ी के दाम बढ़ते हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं, मैकेनिक की लेबर बढ़ती है, हर चीज़ के स्पेयर पार्ट के दाम बढ़ते हैं, हर वर्ष हमारे टैक्सी ऑपरेटरों की जो सरकार से मांग होती है और जब हम इन सरकार से मीटिंग का समय लेते हैं, मिलने का समय लेते हैं, तो हर वर्ष हमारे जो दाम हैं उसके लिए हमें बुलाया जाए और जब हम अपनी मांग रखते हैं तो उसके ऊपर सरकार समय समय के साथ हमारे साथ चर्चा करें। और जैसे कच्चा माल या रॉ मटेरियल पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, तो हमारे भी हर वर्ष की तरह रेट जो है वो बढ़ाए जाएं, जिसके लिए मैं ये भविष्य में मौजूदा सरकार से ये मांग करता हूँ। और वहीं टैक्सी चालक बिक्की ने बताया कि काफी समय से टैक्सी यूनियन किराए में बढ़ोतरी की मांग कर रही थी, जिसे प्रदेश की भाजपा सरकार ने पूरा किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का इसके लिए आभार प्रकट किया है। सबसे पहले मैं तो अपने ये जो मौजूदा सरकार है इसका अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने टैक्सी चालकों के बारे में या मालिकों के बारे में कुछ सोचा, तथा माननीय मैं परिवहन मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उन्होंने हमारे किराए में बढ़ोतरी करी है, उसके लिए मैं खास उनका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे अपने माननीय मुख्यमंत्री जी श्री जयराम ठाकुर जी का भी अभिनंदन, सरकार ने हमारे टैक्सी ऑपरेटरों के लिए किराए बढ़ाए हैं, उसके लिए हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं।